हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और थोड़ा रिपोर्ट जनरेट करने में और भी ज्यादा परफेक्शन हासिल होगी अगर आप इसे देखते हैं तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और कोई सवाल मन में है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है और ये तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उसके बाद उनका टोटल और एवरेज भी मैंने कैलकुलेट किया है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप 2007 वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ क्रिएट पर जाकर के फिर क्वेरी डिजाइन पर जाकर के क्वेरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन में खास बात यह है कि आप यहीं पर क्वेरी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया है तो ये एक्सप्रेशन में जाकर देखिए आप यहाँ पर इसका टोटल होके आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमने वो क्राइटेरिया दी है, वो चीजें दी है जिसकी वजह से ये एवरेज कैलकुलेट होकर आया है। फिर टोटल में देखिए यहाँ पर हमने वो क्राइटेरिया दिया है जिसकी वजह से ये टोटल कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। तो ये हमने यहीं पे कर लिया, ठीक है, टेबल में ही। अब इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे और यहां से फॉर्म विजार्ड पे जा सकते हैं, ठीक है, और इन सारे डेटास को ले लेंगे, ठीक है। ले लिया, ओके किया। अब हमें डेटा कॉलमर फॉर्म में चाहिए, डेटा शीट व्यू में चाहिए, कैसा चाहिए डेटा, तो मान लीजिए डेटा हमें कॉलमर फॉर्म में ही चाहिए और यहां से मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके और ओके प्रेस कर देता हूं तो ये इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां से इसको छोटा कर लिया हमने और थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये एवरेज काफी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, इतना रखता हूँ। यूजुअली थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें एवरेज कैलकुलेट होगा तो पॉइंट में भी वैल्यूज लेगा ये। अब ये जो है हमारा फॉर्म बन गया है, यहाँ पर मार्कशीट आ रहा है लिखा हुआ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहते हैं तो अभी पहले इसको सेटिंग कर ले। तो पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन में लेता हूँ, होम पे जाता हूँ और इस पूरे डेटा को बोल्ड कर देता हूँ। तो ये बोल्ड हो गया और यहां से इसका कलर जो है हम ब्लैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूं तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा अब आपको, ठीक है। यहां पर हम चाहते हैं टाइटल देना तो टाइटल भी दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले हमें कॉम्बो बॉक्स बनाना है। तो यहाँ कॉम्बो बॉक्स पे चलते हैं और यहां से इसे ड्रैग करवा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कॉम्बो बॉक्स आ रहा है, फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स। इसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस कीजिए और रोल नंबर यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ रोल नंबर 1 आ रहा है, रोल नंबर 1 नहीं चाहिए, खाली रोल नंबर चाहिए। तो ये कर दिया हमने और फिनिश पे कर दिया क्लिक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ और इन दोनों को सिलेक्शन में लेकर के बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड का कलर इसका कैसा आए। तो बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड इसका रेड हो जाए, तो रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो इसका आ रहा है ये टेक्स्ट का कलर ये हो जाए व्हाइट, तो ये व्हाइट हो गया। अब बोल्ड भी चाहते हैं तो ये बोल्ड भी कर लिया हमने, तो इस तरीके से ये हमने बना लिया। अब टाइटल रहने देते हैं अभी, ठीक है। यहां पर हम सर्च करेंगे रोल नंबर के बेस पे, तो यहाँ ओके प्रेस करता हूं और यहां पर जैसे ही आते हैं तो आप रोल नंबर 1 देखते हैं तो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड आता है। तो एक ही रोल नंबर हमने डाला है, यहां पे आता हूं, यहां पे आके अब यहां पे कर देता हूं दूसरा रोल नंबर श्याम का है, ठीक है, और फिर यहां पे उनके रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, जो भी रिकॉर्ड हैं उनके मार्क्स हैं वो सारी चीजें एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये 2 रोल नंबर हो गया, तीसरा रोल नंबर एंटर कर देता हूँ संदीप, ये इस तरीके से हमने एंटर कर दिया। तो ये देख सकते हैं ये एवरेज भी आ गया। अब इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये सेव कर दिया हमने और अब इसको यहां से क्लोज कर देता हूं और अब इसको यहां से रिफ्रेश कर देता हूं। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहां पे तीनों रोल नंबर जो है दिखाई पड़ने हैं। अगर रोल नंबर 3 पे जाते हैं तो रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड पूरा आता है यहां पे, ठीक है। अगर रोल नंबर 2 पे जाएंगे तो रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड आएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम ये चाहते हैं इस फॉर्म में कि हम इसमें पॉपअप बनाना चाहते हैं। तो पॉपअप कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट पे चले जाइए और यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सिलेक्शन में लेकर के और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर हम फॉर्म चूज करें, हम फॉर्म में जाना चाहते हैं, ठीक है, हम डिटेल में नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पर बाहर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये डिटेल हटा दीजिए, यहाँ पे हम फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ पे एफ प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्म आ जाएगा। अब जब फॉर्म आ जाए तो इसको सिलेक्शन में ले लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा डिफॉल्ट व्यू, तो ये सिंगल फॉर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आते जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ऑटो रिसाइज, तो ये यस रखिएगा, ठीक है, और ऊपर दिखाई पड़ेगा ये पॉपअप, तो इस पॉपअप को आप कर दीजिए यस, नो है इसको यस कर दीजिए। तो फायदा क्या होगा कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर जैसा दिखेगा, यानी कि
ये देखिए यहां पे देख रहे हैं, ये एक अलग से विंडो खोल करके आ रही है, यानी रिसाइज करने वाली विंडो, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे तीनों ही रिकॉर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं आ रही हैं। यहां पे थ्री सेलेक्ट करता हूं तो रोल नंबर थ्री वाला रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसको क्लोज कर देता हूं, सेव करके क्लोज कर दिया। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं रिपोर्ट जनरेट करना, और रिपोर्ट भी ऐसा जनरेट करना चाहते हैं कि रोल नंबर के बेस पे वो कैलकुलेट होकर आए। तो इसके लिए हमें एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, तो क्रिएट पे चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल ही लेना है हमें, टेबल क्वेरीज बोथ है, तो यहाँ पे टेबल ही लेना है हमें, ये ले लिया हमने। अब ये सारे रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो ये सारे रिकॉर्ड हम ले लेते हैं, ले लिया। अब यहां पर रोल नंबर के बेस पे हमें सर्च करना है, तो यहां हम कहेंगे फॉर्म में देखना है हमें, ये जो फॉर्म है इसे हमने ले लिया और यहां पर एक्सक्लेमेशन दे दिया और मार्कशीट, ये यही फॉर्म का नाम है ना, तो ये ले लिया हमने। और अब रोल नंबर के बेस पे हम खोजेंगे, और किसी चीज के बेस पे नहीं, रोल नंबर के बेस पे, तो ये रोल नंबर ले लिया हमने, बस आपका काम हो गया है। अब यहां से इसे सेव करता हूं, तो यहां पर चूंकि हमने नाम दिया इसे मार्कशीट, तो यहां मार्कशीट क्यू कर देता हूं, मार्कशीट क्यू, ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूं, तो ये हमारा हो गया काम, काम बहुत ही आसान हो गया। अब हमारा काम ये हो चुका है रिपोर्ट वाला, ठीक है, इसको एक बार और आप देख लीजिए, ये इस तरीके से हमने किया हुआ है। और अब यहां से व्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, यहां से इसको सेव कर लेता हूं और इसको क्लोज भी कर देता हूं, ये क्लोज कर दिया हमने। अब हम कहां जाएंगे, ये फॉर्म मार्कशीट जो है यहां पे आएंगे, ये आ गए, ये इस तरीके से दिख रहा है, अभी भी हमारा ये ऐसे ही है। अब रिपोर्ट का काम स्टार्ट होता है यहां से, तो क्रिएट पे जाएंगे और रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे, तो ये रिपोर्ट विजार्ड पे आ गए और ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये ले लिया हमने, ठीक है, ये देख सकते हैं मार्कशीट क्यू के आधार पे हमें लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाली चीजें नहीं लेनी है, फॉर्म वाली नहीं, मार्कशीट क्यू जो क्वेरी हमने बनाई वो वाली, तो ये ले लीजिए और यहां पर आ जाइए। और ये रोल नंबर को हम देना चाहते हैं प्रायोरिटी, तो ये दे दिया हमने, और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करके और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके और फिर ये मॉडिफाइड डिजाइन और फिर ये इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। अब आप चाहे तो इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें, चेंजिंग करना चाहें, ऊपर नीचे करना चाहें, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। यहां पर इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा स्टूडेंट को, ये यहां से ये हमने छोटा कर लिया, और ये इसको भी, और ये बायोलॉजी को यहां लेके आ जाते हैं थोड़ा सा बड़ा, फिजिक्स को यहां लेके आते हैं, और यहां केमिस्ट्री को लेके आ जाते हैं, और ये इंग्लिश को यहां लेके आ जाते हैं, और ये एवरेज, ओके, और इन सब को भी ऊपर लेके आना होगा, तो यहां पे आए, थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बाद यहां पे टोटल और फिर एवरेज, तो ये हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, इसका कोई काम नहीं है फुटर, हालांकि आप चाहे तो यहां बटन्स बना सकते हैं, तो मैंने नहीं बनाया है। और अब यहाँ पे ये मार्कशीट क्यू है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, जिसे मार्कशीट लिखा हुआ, मैं मार्कशीट ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड कलर ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ से ये कलर लगा देता हूँ, और ये जो मार्कशीट है इसको यहाँ से पकड़ के खींच के थोड़ा ये टाइटल का हिस्सा बड़ा कर लेता हूँ, ये इस तरीके से, और इसको सेंटर में कर लेता हूं, ये सेंटर में रहना चाहिए, तो ये सेंटर में कर लिया हमने, और कलर बदल लेता हूं इसका, ऐसे बैकग्राउंड पे जाके, और ये कलर चूज कर लिया हमने, सिलेक्शन में लिया इसे और बोल्ड कर लिया, और फिर यहां से कलर भी बदलना है, तो ये कलर हमने कर लिया, ये तो ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो यहां से कलर ब्लैक रख लेता हूं और इसको कर देता हूं व्हाइट, ओके, तो ये कर दिया हमने, और इसको थोड़ा और इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये ऐसे, ओके,
अब पूरे को सिलेक्शन में ले लेता हूँ डेटा को, और यहाँ से पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कलर ये कर लेते हैं और फिर बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो मार्कशीट हमने लिया था वो भी जो है इसको वाइट कर देता हूँ, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। ये देखिए अब ये हो गया सही, ठीक है। अब हम यहाँ पे व्यू पे कर सकते हैं क्लिक, ठीक है, और यहाँ से ओके प्रेस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से, अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, ये सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अभी हमको क्या देखना है, तो ये हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म में हमने क्या सेलेक्ट किया, फॉर्म में हमने सेलेक्ट किया रोल नंबर 2, ठीक है। अब फॉर्म में रोल नंबर 2 सेलेक्ट है, यहाँ पे आए, अब देखिए रिपोर्ट, किसका रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, रोल नंबर 2 का रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, रिपोर्ट जनरेट होकर आई है रोल नंबर 2 की, सिर्फ रोल नंबर 2 की रिपोर्ट जनरेट होकर आई है। अब देखिए यहां पर आए, यहां पे कर दिया रोल नंबर 3, ठीक है, और रोल नंबर 3 किया हमने, अब नीचे रोल नंबर 2 ही आ रहा है, लेकिन यहां पर रिफ्रेश कर दीजिए तो ये देखिए रोल नंबर 3 की रिपोर्ट जनरेट होकर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें डेटा एंटर करते हैं, ये जो हमारा फॉर्म है टेबल है इसमें डेटा एंटर करते हैं, जैसे यहां पे कर दिया हमने दुर्गेश, ठीक है, और यहां पे मार्क्स दे दिए जो भी मार्क्स देने हैं इनको, तो यहां पे ये हो गया। और फिर नीचे कर देता हूं राजू जावेद आलम, ये नाम दे दिया हमने, और यहां पे मार्क्स, तो यहां 67 34 66 67 ऐसे करके मार्क्स दे देता हूं, और ये एट लास्ट 67। तो ये देखिए यहां पे ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसको सेव कर लेता हूं, और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूं, क्लोज कर दिया। अब यहां पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, रिफ्रेश कर लिया, अब यहां पे देख सकते हैं आप ये तीन ही रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, इसको एक बार क्लोज कर देता हूं और इस रिपोर्ट को भी क्लोज कर देता हूं। अब इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूं, तो ये देखिए अब ये सारे रिकॉर्ड्स आने लगे, ठीक है। अब यहां पर रोल नंबर 6 का रिकॉर्ड देखना है, तो ये 6 आ गया। अब रिपोर्ट किसका आएगा, तो यहां पे 6 सेलेक्ट किया है तो 6 का ही आएगा ना, ये देखिए ये 6 का रिपोर्ट आ रहा है, 6 का रिपोर्ट कार्ड जनरेट होकर आ रहा है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा नाम जो है, ये देखिए नाम में गड़बड़ी हो गई है क्या, जावेद आलम, अच्छा बीच में गैप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये गैप रिड्यूस कर लेते हैं। ओके, और यहां से सेव पे करता हूं क्लिक, अब इसको क्लोज करता हूं और फिर एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, यहां से रिफ्रेश करना है और इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहां पे जाके मार्कशीट ओपन किया हमने इस बार, अब देखते हैं रोल नंबर 6 जावेद आलम, तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे मार्कशीट पे जाते हैं, तो ये मार्कशीट पे आ गए, अब देखते हैं मार्कशीट में इनका नाम कैसा आ रहा है, तो ये देखिए जावेद आलम, अब ये मार्कशीट में भी सही हो गया, और इसका एवरेज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होकर आ रहा है। जैसे ही आप चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन किया हमने ये फॉर्म, डबल क्लिक किया, फॉर्म ओपन होगा, ये ओपन हो गया, यहाँ पे आके रोल नंबर 4 चूज करता हूँ, ठीक है, 4 चूज किया, अभी क्या दिखाई पड़ रहा है रोल नंबर 6 का, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए तो रोल नंबर 4 का रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही करके आप कर सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर 3 चूज कीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इससे प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगी। इसके लिए एक VBA कोड लिख सकते हैं जो ऑटोमेटिक रिक्वेरी करेगा, वो किसी अन्य वीडियो में सिखाऊंगा, बहुत सारे वीडियोस में बता भी चुका हूं, लेकिन शायद चूंकि बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया होगा मैंने वहां पर, तो आपको शायद समझ में ना आए, तो अलग से भी एक रिक्वेरी करना सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।